तो कैसे हो भाई? होपफुली बहुत ही अच्छे हो। तो आज आप फ्रेम में देख रहे हो एस्प्रेसो गाड़ी। भाई ये देखिए, सामने से कुछ ऐसी आपको लुक मिल जाती है। इसके कलर ऑप्शन की बात करो तो इसके अंदर 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, और 1 लीटर का आपको इसके अंदर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है। और इसकी सामने की विड्थ की बात करें तो 1520 mm की आपको इसकी चौड़ाई मिल जाती है, मतलब 1520 mm की। सामने की बात करें तो ग्रिल की तो कुछ ऐसा सुजुकी का लोगो मिल जाता है। मैट फिनिश में आपको ग्रिल मिल जाती है। इसका VXI वेरियंट है। फुल वेरियंट की बात करें तो स्टैंडर्ड LXI VXI VXI प्लस इसके अंदर कुल 4 वेरियंट आते हैं। ये इसका VXI वेरियंट है। सामने की ग्रिल की मैंने आपको दिखा, नीचे आपको नंबर प्लेट की प्लेसिंग मिल जाएगी। नीचे आपको स्किड प्लेट की लुक मिलाई हुई है, लोअर बंपर का पार्ट है, आपको स्किड प्लेट वगैरह इसके अंदर नहीं मिलती है। और सामने इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो कुछ ऐसे आपको इधर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं नॉर्मली हैलोजन। कोई भी आपको प्रोजेक्टर वगैरह, कोई भी आपको DRL वगैरह इसके अंदर नहीं मिलेगी। और इस साइड आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। हमने ये देखिए, कोई भी फॉग लैंप वगैरह इसके कोई से वेरियंट के अंदर आपको नहीं आते हैं। सामने आपको व्हाइट प्लस ब्लैक का आपको ड्यूल का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सामने से लुक इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है, और चौड़ाई भी गाड़ी की 1520 mm अच्छी खासी आपको चौड़ाई मिल जाती है। और अभी आ जाते हैं इसके साइड लुक में। देखिए कुछ साइड लुक ऐसी आपको साइड लुक मिल जाती है। और इसकी बाई लेंथ भी आपको 3565 mm की आपको लेंथ मिल जाती है। व्हील बेस की बात करें तो इसकी आपको मिल जाती है 2380 का व्हील बेस मिल जाता है, और 1567 mm का आपको इसका हाइट मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और अभी बात करते हैं टायर सेक्शन की, इसके अंदर आप स्पोक व्हील मिल जाते हैं व्हील कैप के साथ। टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 165/70 R14 inches आपको इसके अंदर टायर मिल जाता है। और इसके अंदर सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, पीछे आपको रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएंगे। बात करें इसके IRVM की तो इसके अंदर आपको ब्लैक फिनिश में आपको IRVM मिल जाएंगे। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे प्लेस मिल जाएगा, और नीचे आपको ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। और इसके डोर हैंडल की बात करें तो इसके अंदर आपको ब्लैक फिनिश के अंदर डोर हैंडल मिल जाएंगे। की लगाने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। और इसके आपको पिलर की बात करें तो बॉडी कलर पिलर मिल जाएंगे। और अभी आपको रियर लुक दिखा देते गाड़ी की, तो ये देखिए आपको कुछ ऐसी रियर लुक मिल जाएगी। पीछे आपको हाई स्टॉप लैंप मिल जाएगा, कोई डिफोगर वगैरह VXI वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। पीछे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे आपको की लगाने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे एस्प्रेसो की आपको बैजिंग मिल जाएगी। पीछे इसके टेल लैंप की बात करें तो कुछ आपको ऐसे आपको टेल लैंप मिल जाते हैं, आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ये आपको बैक लाइट और ये आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है। और इसकी बूट स्पेस की बात करें तो आप यहीं से आप इसको ओपन कर सकते हो की लगा के। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। गाड़ी के अंदर आपको सेंटर लॉक भी मिल जाती है। देखिए आप यहाँ से इसका बूट स्पेस ओपन कर सकते हो। ये देखिए इसके अंदर कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलेगी। ये देखिए कुछ ऐसा इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। लीटर्स में बात करें तो बूट स्पेस आपको कुछ ऐसा आपको अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि आपको सेम प्रोफाइल का मिल जाता है स्पोक व्हील। ये देखिए और कुछ ऐसा इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। अभी आपको इसकी चल देते साइड लेफ्ट लुक में। ये देखिए कुछ आपको लेफ्ट लुक कैसे मिल जाएगी। इन 27 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, और ये आपको फ्यूल कैप मिल जाएगी। और अभी चलते गाड़ी के अंदर, दिखाते आपको इसकी की गाड़ी के अंदर जाने से पहले। इसके अंदर आपको साइलेंट सेंटर लॉक मिल जाएगी। और की बात करें तो इसके अंदर आपको हर मारुति की गाड़ी में सिमिलर से की मिल जाती है आपको, वही सेम आपको मिल जाएगी। एक आपको नॉर्मल की मिलेगी, एक आपको रिमोट की मिल जाएगी, और इसके अंदर आपको साइलेंट सेंटर लॉक मिलेगी। चलते और ये देखिए भाई, कुछ ऐसा आपको डोर ट्रिम मिल जाता है। इसके अंदर फ्रंट में 2 पावर विंडो आती है, पीछे वाली मैनुअल आती है। डोर ट्रिम की बात करते हो 1 लीटर की बोतल बहुत ही आसानी से रख सकते हो, और थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसका डोर ओपनर मिल जाता है ब्लैक फिनिश में। IRVM आप यहाँ से इसके एडजस्ट कर सकते हो। और इसके अंदर आपको 2 स्पीकर ही मिलेंगे, 4 स्पीकर नहीं मिलेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा आपको इसके अंदर लुक मिल जाता है। सीट की बात करें तो 6 वे एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाएगी, और जो फ्रंट हेडरेस्ट है वो आपको इसके फिक्स ही मिलेंगे, कोई भी आपको एडजस्टेबल वगैरह नहीं मिलेंगे। पीछे वाले भी फिक्स मिलेंगे और आगे वाले भी फिक्स मिलेंगे। ये देखिए आपको 6 वे एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाएगा, यहाँ से आप इसका बोनट ओपन कर सकते हो, हुड ओपन कर सकते हो। और ये कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है इसके अंदर, आपको देख सकते हो सिंगल हॉर्न मिलता है इसके अंदर। और कुछ ऐसा इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है आपको। ये देखिए यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, ये आपको हजार्ड लैम्प का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिल जाता है विद हीटर के साथ। नीचे 12 से 120 वोल्ट तक आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल मिल जाता है। और यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, स्पेस ठीक ठाक सा दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। इसके अंदर 2 एयरबैग आते हैं, 1 एयरबैग की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, एक आपको स्टेयरिंग व्हील पे मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो कुछ ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इसके IRVM की बात करें तो इसके अंदर आपको नॉर्मल मिल जाता है, कोई भी आपको डे नाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता। इस साइड आपको कोई भी आपको वेंटीमीटर वगैरह नहीं मिलता, नहीं कोई आपको टिकट होल्डर मिलता। इस साइड बात करें तो इसके इस साइड भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको खाली मिलेगा। ये इसकी रीडिंग लैंप की बात करें तो आपको हेलोजन मिल जाएगा। और अभी आपको इसका ऑन करके दिखा देते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सारे एसी वेंट्स सामने मिलेंगे, रियर में आपको कोई एसी वेंट्स नहीं मिलेगा। अभी मैं इसको आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा इसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। वार्निंग लाइट्स वगैरह आपने देख ली होंगी। बीच में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा,
बीच में आपको यहाँ पे पेट्रोल का मिल जाएगा। सीएनजी के लिए अगर आप ये गाड़ी सीएनजी में हो तो वी एक्स आई वेरियंट वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी सीएनजी की, अगर आप सीएनजी में लोगे तो। बात करते हैं अभी इस वेरियंट की, तो इसके अंदर आपको ऐसा स्पीडोमीटर मिल जाएगा, वायरिंग्स वगैरह आपसे शो होता हुआ देख सकते हो। बीच में आपको डिजिटल में आपको स्पीड मिल जाएगी। और ट्रिप वगैरह की बात करें तो इसकी आप यहाँ से और ट्रिप वगैरह की बात करें तो आपको जॉयस्टिक दी मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ से आप इसका ट्रिप ए, ट्रिप बी और कुल किलोमीटर मतलब एवरेज भी दिखाएगा किलोमीटर पर लीटर। और ये देखिए ये 5.7 के एवरेज दिखा रहा है अभी, और रेंज भी दिखाएगा। ये आपका हो गया कुल किलोमीटर। और बात करें इसके म्यूजिक सिस्टम की, तो कुछ ऐसा आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। वार्निंग साइट्स वगैरह भी आप इसके अंदर शो होता देख सकते हो लो फ्यूल की। और यहाँ पे आपको ऑक्स और यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हो। यहाँ से आपको वॉल्यूम का मिल जाएगा और यहाँ से आपको फंक्शनल की मिल जाएंगी इसकी, ठीक है। ये आपको पावर विंडो की होगी। और इसकी बाइक कंफर्ट वगैरह की बात करें तो इसके अंदर फैब्रिक मिल जाता है आपको। ये देखिए कुछ ऐसा ब्लैक पिन इसमें आप फैब्रिक मिल जाता है। और स्पेस वगैरह में गाड़ी भाई आल्टो से ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। ये देखिए मेरी 5'9" हाइट होने के कारण आपको मेरे भाई घुटने तो थोड़े टच हो रहे हैं इसके, लेकिन जब मैं चलाऊंगा ना भाई तो वैसे ऐसे हो जाएगा। तो स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है, 3 फिंगर का स्पेस मिल जाता है। और स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है 3 स्पोक के अंदर इसका। कोई भी लेदर वगैरह इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको, कोई भी लेदर वगैरह का प्रयोग नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर का नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी इस पे ऊपर के हेड स्पेस की बात करें तो आपको 4 फिंगर का ऊपर हेड स्पेस मिल जाता है, 3 फिंगर का नीचे हो गया। और अभी चलते हैं इसके रियर लुक में, दिखाते हैं आपको क्या कुछ स्पेस वगैरह मिल जाता है। गाड़ी के अंदर जाने से पहले आपको दिखाते हैं डोर ट्रिम। तो ये देखिए कुछ ऐसा डोर ट्रिम मिल जाता है। ये डोर ओपनर हो गया आपको ब्लैक पिन से मिल जाएगा। ये इसके इसके पावर विंडो इसके कंट्रोल हो गए, ये आपको मैनुअली मिलेंगे। आगे आपकी पावर विंडो मिलेगी, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सको पकड़ के। और अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये देखिए भाई पीछे के हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे इसके, सी मिलेंगे। तो ये देखिए भाई आगे आपको स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, ऊपर भी आपको फिंगर का स्पेस मिल जाता है, पीछे स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, लेग स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, हेड स्पेस थोड़ा कम है गाड़ी के अंदर। पीछे के हेडरेस्ट आपको जो एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे आपको फिक्स ही मिलेंगे, इससे 3 बंदे बहुत ही आसानी से बैठ सकते हो। और अभी आपको दिखाते हैं इसका ओन, अभी आपको बताते हैं इसका इंजन वगैरह कितना क्या कुछ दिया हुआ है, इंजन दिखाते हैं आपको और इसका एक्सोरूम प्राइस बताते हैं आपको कितना क्या कुछ ऑन रोड पड़ेगी और एक्सोरूम कितना क्या कुछ पड़ेगा। चलते हैं गाड़ी के बाहर। इसके अंदर इंजन की बात करें तो आपको 998 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है। इसकी माइलेज की बात करें तो इसकी मारुति आपको 21 की माइलेज क्लेम करती है हाईवे की। और अभी इसके एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो आपको 5,15,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस पड़ता है VXI पेट्रोल के अंदर। और एक्सोरूम की बात करें तो मतलब एक्सोरूम में इसका 5,15 पड़ता है। और ऑन रोड की बात करें तो आपको इसका पड़ जाएगा 5,75,000 रुपये ऑन रोड प्राइस कैथल हरियाणा के अंदर। मोर डिटेल के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, आप उस वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।